શ્રીજીની પ્રતિમાનો કલર પણ ખૂબ મહત્વનો હોય છે, ત્યારે કઈ રાશિના લોકોએ કયા રંગની શ્રીજીની પ્રતિમા લાવવાથી લાભ થશે એના વિશે આજે આપણે જાણીશું। गणेश फेस्टिवल के इंतजार हम सब लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर में गणेश जी आए और हमारे घर का शुभता भराए और हमारे घर में जो नकारात्मक एनर्जी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने साथ लेके जाए। इसी कामना से हम लोग उनका इंतजार करते हैं। और आप सब लोग अपने घर में गणेश जी लाना चाहते होंगे, और मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको बताना चाहूंगी कि राशि के हिसाब से अगर आप गणेश जी लाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम और अति उत्तम माना जाता है। मैंने लास्ट एपिसोड में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए बता दिया था। इस एपिसोड में आपको मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए बताना चाहूंगी। सिंह राशि वाले, आप लोगों के लिए एक ही कलर जो सबसे ज्यादा अति उत्तम माना जाएगा वो है रेड, क्योंकि आपका सिंह जो है कलर रेड को रिप्रेजेंट करता है। और 9 भाव जहाँ पे है वहां पे 1 लिखा है। मेष राशि, उसका भी कलर 1 रेड ही होता है। तो आपके लिए 2 चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, उसको कहेंगे रेड कलर इज वेरी गुड फॉर सिंह राशि वाले लोगों के लिए। और उसके बाद हम चाहते हैं कन्या राशि वाले, कन्या राशि वाले आपके जो अधिपति है वो ग्रीन है, साक्षात गणेश जी ही है आपके अधिपति। तो आप अगर ग्रीन कलर का लेते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और वहां पे जो 9th भाव है, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, उस वहां पे आपका 2 लिखा रहेगा। और 2 जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र हमारे पिंक कलर या वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा हो सके आप ग्रीन या पिंक कलर का गणेश जी लाएं तो आपके लिए अति उत्तम माना जाएगा। तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए जो मेन कलर है, जो 7, उसको जो रिप्रेजेंट करता है, शुक्र रिप्रेजेंट करता है, तो वापस मैं बताऊंगी आपको, पिंक या मर्जेंटा कलर आप लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और उसके जो भाग्य भाव है वहां पे नंबर लिखा होगा 3, और 3 वापस जो है गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए 2 कलर आता है, एक मर्जेंटा कलर का आता है गणेश जी, और दूसरा आएगा आपका ग्रीन कलर के गणेश जी आप घर में लाइए। उसके बाद हम चाहते हैं इसके बाद वाले राशि वृश्चिक राशि, जिसके अधिपति मंगल होते हैं और उनका जो कलर होता है रेड कलर होता है। रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गणेश जी, अगर रेड कलर के अगर आप लेके आते हैं। और आपके भाग्य भाव जो 9th भाव है वहां पे जो है वो है आपका 4 लिखा रहता है, और 4 जो रिप्रेजेंट करता है वो है व्हाइट कलर को। तो आपके लिए रेड कलर या फिर व्हाइट कलर के आप गणेश जी लाइए, देखिए किस तरह से आपके लिए लाभदायक और लकी माना जाएगा। मैंने लास्ट एपिसोड में 4 बता दिया है, इसके बाद वाले एपिसोड में दूसरे 4 राशि को लेके आती हूँ। तब तक के लिए हरिओम।